सकते हैं हमने 5 मिनट के अंदर कितने सारे बोर जमा कर लिए देखो, और एकदम सब मीठे मीठे पक्के पक्के। ये होता है प्रकृति, क्या चीज़ है देखो, ये कांटों में भी इतने अच्छे से। हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज मैं मेरे घर का पूरा टूर देने वाला हूँ आपको, कि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है, वहाँ पे हम लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं, क्या हमारे पास गाय भैंस है, और अभी क्या मतलब है यहाँ का, मैं पूरा आपको ये वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और वीडियो को पूरा देखना गाइस, बहुत मज़ा आएगा। कई लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई घर का टूर दो, तो मैं आज आपको घर का टूर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और गाइज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये है हमारा खेत, और यहाँ पे अरंडी की फसल है, और उधर सरसों और गेहूँ की फसल है, और यहाँ पे हमने गायों के लिए, गाय भैंस के लिए इधर हमने रजगा पाया हुआ है। रजगा इसकी खेती की, अभी ये छोटा है, बड़ा आएगा तो इसको काट के फिर हम खिलाएंगे। और उधर सूखा सारा भी है वैसे, लेकिन सूखे के साथ में ये ग्रीन भी देते हैं तो दूध वगैरह अच्छा रहता है, आता है, और गाय भैंस भी तबीयत अच्छी रहती है। और ये हमने इधर प्याज लगाए हुए हैं, हालांकि अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, अभी कितना 5-7 दिन ही हुआ इसको लगा के। और साथ में है राहुल। राहुल हेलो कर, हेलो बोल, हेलो बोले ना, हेलो कह, हेलो चैनल को सब्सक्राइब कर, एम आते एम कर, एम लाइक, एम करके लाइक, लाइक करो, एम 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 अंगूठो एम कर, लाइक करो। क्या लिखा हूँ, लिखे हुए हैं कहाँ, लिखे हुए हैं क लिखे, ओ वाह देखो, ये देखो दोस्तों मेरे, हमारे राहुल ने क लिखा इधर। हाँ अभी लिखो, तो गए अभी सीजन है हमारे यहाँ पे बोरों की, बोर बेर, इसको बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये खाने के लिए। और ये अभी इसकी सीज़न है तो मैं खा रहा हूँ, उसके लिए आवाज़ बरोबर नहीं आएगा, उसके लिए सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया सुबह सुबह। देखिए एकदम पक्के पक्के, सकते हैं हमने 5 मिनट के अंदर कितने सारे बोर जमा कर लिए देखो, और एकदम सब मीठे मीठे पक्के पक्के। ये होता है प्रकृति, क्या चीज़ है देखो, ये कांटों में भी इतने अच्छे से फ्रूट्स, फ्रूट हमें दे देती है प्रकृति की, अजीब है लीला। तो गए ये है हमारे गाय भैंस, ये सब है, ये हमारी भैंस है, बड़ी प्यारी है, और ये उसका बछड़ा है, बडूरा लग रहा है ये तो। और ये भी छोटी भैंस, मतलब पाड़ी बोल सकते हैं इसको आप, ये बड़ी प्यारी है। और ये है हमारी गाय गौ माता, ये बहुत प्यारी है, इसके साथ में बच्चे खेलते हैं लेकिन नाम नहीं लेती है, बहुत ही प्यारी है। और हमने इसके लिए देखो कितना अच्छा बनाया है, कि सर्दी ने ये ठंड न लगे, इसके लिए हमने देखो पूरा बना के रखा है। ये देखो 1, 2, 3, 4 ये बांध के रखे हुए हमने बछड़े, ये थोड़े शर्माते हैं, और ये हमारा छोटा बच्चू, आ हा हा, ये तो बहुत ज़्यादा ही डरता है, लेकिन है बड़ा क्यूट, एकदम प्यारा सा। की गायों के पानी पीने के लिए बहुत बना के रखा हमने, और ये सूखा सारा। एक चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ, ये इधर खड़ा है देखो, कितना छोटा सा है, एकदम इतना सा है, यानी कि 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक तो इसको पूरा लगा के। और इसके अंदर फल देखिए गाइस, ये कितने बड़े बड़े फल लग गए, ये देखो, मतलब ये फलों का वजन भी नहीं संभाल पा रहा, इसके लिए हमने इधर सारा लगाया थोड़ा लकड़ी का, और इधर भी लकड़ी देखो पूरा हमने खड़ा किया इसके साथ में, इतने बड़े बड़े एकदम फल लग गए देखो पूरे, ये पके पके एकदम पूरे, इतना छोटा सा है ना, कमाल का। और यहाँ पे है अरंडी की फसल, और ये मेरा घर,
यहाँ पे रसोई वगैरह बनी हुई है और इसके पीछे इधर ये डालिया जिसको बोलते हैं मेहमान वगैरह आते हैं तो कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ का